अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहराज किचन। मैं हूँ जहाँआरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ साबूदाना खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल मोती के दाने की तरह आपके साबूदाना खीर बनकर तैयार होंगे। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार का होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की साबूदाना खीर की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए हेल्दी और मज़ेदार का साबूदाना खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबूदाना को भिगो कर रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप छोटे दाने वाले साबूदाना। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले साबूदाना को 3 से 4 पर पानी से अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना को अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल दूँगी, यानी साबूदाने के ऊपर तक हमें पानी डाल देना है और इसे हम भिगो कर रख लेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटा हो चुका है और देखिए हमारा साबूदाना जो है फूलकर कितना इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल मोती के दाने की तरह खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। इस साबूदाने से आप चाहें तो साबूदाना खिचड़ी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगेगा। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है ड्राई नट्स। पहले हम काजू, बादाम और पिस्ते को हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे। आप ड्राई नट्स की जो है क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा किशमिश भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अब जो है हमारा ड्राई नट्स फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल देती हूँ। और इसी कढ़ाई पर तेल बचा हुआ है, अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी साबूदाना। 2 मिनट के लिए हमें घी में साबूदाने को अच्छी तरह से भून लेना है मीडियम लो फ्लेम पर। साबूदाने को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क इस्तेमाल कीजिएगा, गाढ़ा दूध का। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम अच्छी तरह से साबूदाना में मिला लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 चुटकी हमें सेफ्रॉन डाल देना है, इसे क्या ना टेस्ट भी अच्छा आता है और साबूदाने खीर का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आता है। तो इस तरह से हमें चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। जितना ये पकते जाएगा उतना ही ये गाढ़ा और क्रीमी बनते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा साबूदाने को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है 15 से 20 मिनट के लिए। कितना गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको चम्मच नहीं हटाना है, इसी तरह से चम्मच चलाते हुए साबूदाने को पका लेना है। जितना ये पकेगा उतना ही सॉफ्ट होते जाएगा और फूलते जाएगा, ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें डाल देना है ड्राई फ्रूट्स 20 मिनट के बाद। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 छोटी इलायची को उसका मुँह खोल कर, आप चाहें तो इसका पाउडर करके डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर चीनी डाल देना है 1/2 कप। चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको कितना मीठा रखना है खीर को। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीनी डाल दिया है। अब हमें चीनी को घुलने तक पका लेना है, उसके बाद हमारा साबूदाना खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो है चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है और हमारा साबूदाना खीर बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं दानेदार, बिल्कुल मोती के जैसे हमारा साबूदाना खिलकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बन चुका है। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, बहुत ही मज़े का लगता है। इसे अगर आप ठंडा रखेंगे तो ये जम जाता है, लेकिन अगर आप इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा साबूदाने का खीर बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार का बना है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी होता है साबूदाना। तो आज की अगर साबूदाना खीर की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो लीजिए हमारा क्रीमी टेक्सचर वाला साबूदाना खीर बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को इंशाल्लाह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।